हेलो, गुड मॉर्निंग. इज माय वॉइस क्लियर? ओके, वी गेट इस. वेरी गुड. Is the screen visible? Okay, so we'll start with the lecture. Last time हमने ये slide देखा था, but मैंने लिया नहीं था क्योंकि revision का part है. So we'll start with this, a bit of revision. याद है ये सारी चीज़ें? ये क्या है? वे फ्रागेन उन फाउ फ्रागेन, वे ऑफ इंग्लिश, वर्बल क्वेश्चन एंड डब्ल्यू एच क्वेश्चन जैसे हमारे इंग्लिश में होते हैं, सिमिलर वे. वे फ्रागेन विच इज डब्ल्यू उन दी फाउ फ्रागेन जो वी से स्टार्ट, मतलब वी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो, जिसका आंसर आप येस और नो में देते हो या ऑर्डर 9. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वे फ्रागेन में वी हाइसिन. तो वी का मतलब क्या होता है? वी हाइसिन जी, वी हाइस्ट डू, ऐसा हमारा आता है जिसका आंटवर्ड इन्फॉर्मेशन, मतलब आंसर में हम लोग अपना नाम बताएंगे. हाइसिन का मतलब हम जब दूसरे को नाम पूछते हैं तो वी हाइसिन जी और वी हाइस्ट डू. तो वी का मतलब क्या हुआ इंग्लिश से कोरिलेट करके? या ओके, हाउ और फिर वी का और एक हम लोग व्हाट, इस कंटेक्स्ट में भी वी का इस्तेमाल कर सकते हैं. व्हाट इज योर नेम? ओके, नेक्स्ट वो हेर कॉमन जी ऑर्डर वो हेर कॉम्स टू डू, इसका आंसर हम लोग देते हैं लैंड ऑर्डर स्टार्ट, मतलब कहाँ पे रहते हो और कहाँ से आए हो इसका इंफॉर्मेशन. तो वो हेर क्या क्या होगा, किस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग वो हेर यूज करेंगे? फ्रॉम वेयर, रिश्टिश. नेक्स्ट वो वोन इन जी उडर वो वोन्स टू डू, तो कौन से कॉन्टेक्स्ट में वो आएगा? वेयर. तो अभी दोनों के लिए वेयर आ जाएगा, वो हेयर और वो, तो दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है. वो हेयर ये हमेशा कॉमन के साथ आ जाता है, ठीक है? मोस्टली ये कॉमन के साथ पाया जाता है. क्यों? क्योंकि इसका फ्रॉम वेयर ऐसा पूछते हैं ना, आप कहाँ से आए हो, तो वो कहाँ से वाला जो से है ना वो हेयर में आ जाता है. और सेकेंड इज वो वोन एन जी, तो उसमें वो मतलब वेयर ही, वेयर डू यू स्टे. क्लियर? दैन नेक्स्ट वी आल्ट जाइन, वी आल्ट जिन जी ओडर वी आल्ट बिस्ट दू, और उसमें हम लोग आंसर में क्या देंगे? यार कितने उम्र के हो? करेक्ट. तो यहाँ पे वी का हम लोग व्हाट के कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे. नेक्स्ट इज वेर इस्ट दास और उसका एंटवर्ड आएगा हेयर एक्स वाई जेड पर्सन. वेयर इज दास हेयर डैश डैश ओडर फ्राउ डैश डैश हु. ओके, तो हर एक क्वेश्चन का, हर एक वे फ्रागन का मीनिंग समझ में आ गया. वी कहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है? ये सरना मैम, वर इज द दास मीन्स हु आर यू? करेक्ट. ऑर्डर हु आर यू नहीं, हु इज दैट पर्सन, थर्ड थर्ड पर्सन के लिए है. ओके, अगर यहाँ पे वेर बिस्ट डू होता या
वेर जिंड जी होता तो फिर आप ऐसा मीनिंग लगा सकते हो, हु आर यू. वेर इस्ट दास, ये थर्ड पर्सन के लिए है. क्लियर? ओके. सो हर एक का मीनिंग अभी समझ में आ गया, क्लियर हो गया कौन से कंटेक्स्ट में कौन सा हम लोग वे फ्रैगेंट का इस्तेमाल करना है. वी वो हैर, वो वी वेर. तो वी हम दो चीजों में यूज करते हैं, एक तो हाउ के लिए भी वी यूज किया जाता है, व्हाट के लिए भी वी यूज किया जाता है. अकॉर्डिंग टू योर वर्ब उसका मीनिंग चेंज होगा, और मतलब वर्ब के हिसाब से आपका आंसर होगा और उस हिसाब से कंटेक्स्ट में मीनिंग चेंज हो जाएगा. इज इट क्लियर? परफेक्ट. तो एक बार रिवीजन के लिए भी ये वे फ्रैगेंट की लिस्ट आपके पास लिख के ले लीजिए. ओके. वे फ्रैगेंट के बाद अपने जी ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर हम लोग या ऑर नाइन, यस और नो में देंगे. ओके. तो वैसे क्वेश्चंस कौन से हैं? इस्ट द सुपरमैन, तो इसका आंसर या तो आएगा या ऑर नाइन, या दास इस्ट सुपरमैन ऑर नाइन दास इस्ट. इसके आगे क्या आएगा अगर मुझे ऐसा आंसर फ्रेम करना है? इस्ट द सुपरमैन ऐसा क्वेश्चन है, आंसर देते वक्त मुझे नाइन बोल के आगे का सेंटेंस फ्रेम करना है, तो मैं क्या कैसे सेंटेंस करूंगी? नाइन दास इस्ट निश्ट सुपरमैन. वेरी गुड. द नेक्स्ट वोनेन जी इन म्यूनशन या ऑर्डर नाइन बिस्ट दू फियत्सेन यार आल्ट या ऑर्डर नाइन. तो अभी यहाँ पे वे फ्रागेन और फाउ फ्रागेन में क्या डिफरेंस है? फाउ फ्रागेन वर्ब, अपना जो वर्ब होगा उससे हमारा क्वेश्चन का स्टार्टिंग हो जाएगा, राइट? जैसे फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें अगर हम लोग प्लेन सेंटेंस करने के लिए जाएंगे तो सेंटेंस ऐसा होगा, दास इस्ट सुपरमान, और क्योंकि अपना वर्ब है इस्ट तो वो यूज करके इस्ट द सुपरमैन. तो ये सेंटेंसेस क्वेश्चन फ्रेम करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा? आपके वर्ब का कॉन्जुगेटेड फॉर्म कौन सा यूज कर रहे हो आप, राइट? मतलब अभी सुपरमैन सिंगुलर है तो उसके लिए हमने इस्ट यूज किया था. अगर वहां पे कोई प्लूरल होता तो वहां पे कौन सा वर्ब आता? और पूरा सेंटेंस ही चेंज हो जाता. मान लो ऐसा, वहां पे सुपरमैन की जगह पे मैं ब्लूमेन यूज करती हूँ, फ्लावर्स है क्या, ऐसा मुझे क्वेश्चन पूछना है, तो मैं ब्लू सुपरमैन की जगह, मुझे पर्सन नहीं है वहां पे, ब्लूमेन फ्लावर के लिए पूछना है, तो मेरा सेंटेंस कैसे फ्रेम हो जाता है यहाँ पे? यस. सिर्फ हमें या इस केस में अगर हम लोग कोई प्लूरल चीज इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे हमारा वर्ब कॉन्जुगेट होगा, और वर्ब कौन सा है इस केस में? इस्ट है, मतलब जिंड जो वर्ब होता है अपना उसका कॉन्जुगेशन है, इश बिन दू बिस्ट एरजी एस इस्ट वो वाला. तो उस हिसाब से अगर हमें प्लूरल करना है तो जिंड आ जाएगा. जो इस्ट आया है दैट इज बिकॉज ऑफ सिंगुलर सुपरमैन,
राइट, अगर वहां पे मैं ब्लूमेन मतलब प्लूरल ले रही हूं तो जिल्ड दास ब्लूमेन ऐसा आ जाएगा सेंटेंस। इज इट क्लियर? सेकेंड में भी वोनन जी इन म्यूनशन, आप म्यूनशन में रहते हो क्या? अभी ये जो जी है वो ग्रोस जी है, मतलब किसी को फॉर्मली हम लोग एड्रेस कर रहे हैं, तो वो वाला जी है। अगर मैं वहां पे जी छोड़ के मान लो डू करती हूँ, तो आपका सेंटेंस कैसे चेंज होगा? सेकेंड सेंटेंस में हमारे सामने स्क्रीन पे जो सेंटेंस है वो ऐसा है, वोनन जी इन म्यूनशन, वहां पे इंस्टेड ऑफ जी आई वॉन्ट टू यूज डू। तो मेरा सेंटेंस कैसे चेंज होगा, मेरा क्वेश्चन कैसे चेंज होगा? यस, आप लोगों को क्वेश्चन पता चला मैं क्या पूछ रही हूँ? ओके देखो, हमारा हमें सामने क्वेश्चन फ्रेम किए हुए हैं ऑलरेडी, वोन एन जी इन म्यूनशन, ये फाउ फ्रागेन है, जिसका आंसर आपको यस और नो में देना है या ऑर्डर नाइन, ये दोनों में से कुछ तो आंसर आ जाएगा। इतना यहाँ तक ठीक है। अभी आपके सामने जो क्वेश्चन है वो कैसा है, वोनन जी इन म्यूनशन, जिसका मतलब ये है क्या आप म्यूनशन में रहते हो, राइट? जैसे वो वोनन, ये ऐसा एक क्वेश्चन डब्ल्यू फ्रागेन में जाता है, ओके? वैसे ही फाउ फ्रागेन में आ गया कि आप किसी पर्टिकुलर सिटी में रहते हो, ऐसा मैं पूछ रही हूँ। तो वोनन जी इन म्यूनशन, अभी यहाँ पे वोनन क्यों यूज किया मैंने, क्योंकि मेरे सेंटेंस का जो पर्सनल प्रोनाउन था वो था जी, और जी मतलब मिट ग्रोस एस, जो जी होता है दैट इज फॉर अगर हम किसी को फॉर्मली एड्रेस कर रहे हैं तो वो जी के लिए अपना होता है वोनिन। तो वैसे ही अगर मैं वहां पे अपना पर्सनल जो प्रोनाउन है वो जी की जगह पे डू यूज करूँ तो मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? तो करेक्ट राहुल, आपने सेंटेंस करेक्ट किया, डू वोन्स इन म्यूनशन। अब इसको अगर आपको क्वेश्चन में फ्रेम करना है तो आप कैसे करोगे? वोन्स डू इन म्यूनशन, इज इट क्लियर? तो जब भी आपको वे फ्रागेन करने हैं तब आपको प्रोनाउन से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है, वी हाइफ़न जी, आपको सिर्फ वर्ब को कॉन्जुगेट करना है। फाउ फ्रागेन में भी आपको वर्ब को ही कॉन्जुगेट करना है, बट हमारा जो फ्रागेन है, जो क्वेश्चन है, वो शुरू होता है वर्ब से, तो इसलिए वो वर्ब का कॉन्जुगेशन करेक्ट करना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आपका जो सब्जेक्ट होगा, इफ दैट इज सिंगुलर यू हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब, इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल यू हैव टू यूज द प्लूरल फॉर्म और इन्फिनिट फॉर्म ऑफ योर वर्ब, दैट यू हैव टू चेक व्हाइल फ्रेमिंग द क्वेश्चन। इज इट क्लियर नाउ? जैसे जो लास्ट सेंटेंस है उसमें देखो आप, बिस्ट दू फियत से नहीं आ रहा आई, क्योंकि कितनी उम्र है ये पूछना है, जिसको पूछना है उसको एड्रेस कर रहे हैं हम लोग दू से, मतलब सिंपल यू है, इनफॉर्मल यू है, तो उस वजह से अपना जो वर्ब आ गया वो भी आ गया बिस्ट। इज इट क्लियर नाउ? याद आया, ये सब हमने पहले किया है, ये जो फ्रागेन है दोनों टाइप्स के हमारे हो चुके हैं, सिर्फ रिवीजन के लिए लिया है मैंने ये। या अर्णव, क्लार, श्लोक, ओके जाकू, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके नो प्रॉब्लम, स्क्रीन पे सब क्लियर दिख रहा है? थोड़ा सा आप जूम करोगे ना तो दिखेगा। यस ओके, वेर मूस वार्टन, वेर दार फारन, तो आपको जो इससे इसके साथ क्या क्या करना है वो मैं आपको बताती जाऊंगी, पहले हमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो आपको भी कंटेक्स्ट समझ में आ जाएगा। एक पिक्चर दिया गया है, वो पिक्चर में
नंबर्स है 1 2 3 4 करके, ठीक है, और एक रास्ता दिखाया गया है, रास्ते पे जाने वाली गाड़ियां हैं, बाइसिकल पे लोग हैं, और जो अपने नॉर्मल सिग्नल होते हैं वो सिग्नल है, कुछ नोटिफिकेशंस है स्टॉप के गो के, तो हमें सिग्नल के मीनिंग्स तो पता है कि कहाँ पे स्टॉप होता है, किस चीज़ के लिए गो होता है, किसके लिए वेट होता है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पिक्चर में दिखाई गई है, वो हम वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन करते हैं ये हमें चेक करना है, ठीक है, कौन से ऑप्शन के साथ हम किस इंसान की या किस गाड़ी की कौन सी एक्टिविटी है वो इमेजिन करना चाहते हैं। ओके जो फर्स्ट है, ठीक है, अभी नंबर 1 दिख रहा है ये है, देखो कर्सर पे आपको समझ में आ जाएगा, मैंने कर्सर भी रखा है, ये गूगल मीट का अपडेट आया जिसमें मुझे थोड़ी दिक्कत हो रहा है यूज़ करने में, तो जो नंबर 1 है दिख रहा है जहाँ पे कर्सर है, या हाँ, तो उसके लिए आपको क्या दिख रहा है कि ये रेड सिग्नल है, राइट, उसका मतलब क्या होगा, अभी नॉर्मल इंग्लिश में क्या होगा कि दैट पर्सन शुड नॉट गो नंबर 1 के लिए। एक 2 मिनट 2 मिनट अर्णव, हम लोग 1 बाय 1 जाएंगे, तो फर्स्ट के लिए अगर उसे रेड सिग्नल है दैट मीन्स उसे आगे नहीं जाना, तो हम लोग क्या सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं, देर फूस गेंगर मुस वार्टन। ओके वार्टन, वार्टन का मीनिंग क्या होता है, फूसगेंगर वार्टन का मीनिंग टू वेट होता है, ओके वार्टन इज टू वेट, जिसका कॉन्जुगेशन भी दिख के दे देती हूँ मैं आपको चैट बॉक्स में, 2 मिनट, वार्ट दू वार्ट ईयर वार्टेट ईयर वार्टन, वो ईयर वार्ट, 1 मिनट, RZS वार्टेट जी वार्टन, ओके तो ये कॉन्जुगेशन लिख के ले लीजिए एक बार, थोड़ा सा ईयर और RZS में मैंने ऊपर नीचे कर दिया है, तो जो अपना नॉर्मल मैम मेरे पास अभी नोटबुक नहीं है, तो मैं अपना लैपटॉप में नोट करो, चलेगा ना? हाँ हाँ चलेगा, तो वो ईयर और RZS जो है ना उसका थोड़ा सा अपना जो सीक्वेंस है उसी में लिख लो, इश दू RZS वियर ईयर उन जी, मैंने पोजीशंस उल्टे सीधे कर दिए गलती से, वो ईयर और RZS के, तो उसको सिर्फ फ्रेम कर लीजिए और लिख के ले लीजिए। वार्टेन का मीनिंग होता है टू वेट, सो देयर फूसगेंगर, फूसगेंगर मतलब जो पिक्चर है उसी में से आपको पता चल जाएगा फूसगेंगर का मीनिंग क्या है। जो रास्ते पे से चलता है वो फूसगेंगर, ओके तो पेडेस्ट्रियन को फूसगेंगर, देर फूसगेंगर मूस वार्टन, मतलब ही मस्ट वेट, व्हाई, बिकॉज सिग्नल इज रेड, तो ये फर्स्ट का हो गया, ठीक है। मूस का मीनिंग, हमें मूस कभी हमने पढ़ा है, अभी देर फूसगेंगर का मीनिंग पता चल गया, वार्टन का मीनिंग पता चल गया, मूस मतलब मस्ट, म्यूसन ये वर्ब है और ये मोडल वर्ब है, अभी एक सेंटेंस में अपने दो वर्ब्स आए हैं, राइट, एक मूस आया है और एक वार्टन आया है, तो ये जो मूस है दैट इज कॉन्जुगेटेड अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट एंड द मेन वर्ब इज म्यूसन।
ठीक है, तो ये एक मोडल वर्ब है। हमने इसके पहले कौन सा मोडल वर्ब पढ़ा है, याद है आपको? एक मोडल वर्ब हमने पढ़ा है, याद है आपको कौन सा पढ़ा है? क्योनन, कैन, जिसका मीनिंग कैन होता है, इश्कान, दुकान्स, एर्जियस, कानवियर, क्योनन, ईयरकॉन, ईयरकान, जीजी क्योनन, याद आया? या तो वो पहला मॉडल वर्ब हमने किया था। नाउ वी आर डूइंग सेकेंड मॉडल वर्ब विच इज म्यूसिन। इसका मतलब होता है मोस्ट। ओके, तो ये म्यूसिन हो गया। सेकंड जो है, सेकंड पिक्चर यहाँ पे देख सकते हो आप, ये सेकंड नंबर है, और वो सेकंड नंबर के सामने क्या है? दस आउटो दार्फ निष्ठ फारेन। दार्फ का मीनिंग क्या होता है अभी? दस आउटो तो क्लियर है, निष्ठ फारेन, फारेन इज यस ड्राइव, और दास आउटो दार्फ निष्ट फारन। दार्फ इज ड्यूरफिन, ए वर्ब है। ओके, ये मॉडल वर्ब है अगेन, ड्यूरफिन, जिसका दार्फ ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म है, तो इसका भी हमें कॉन्जुगेशन लिख के लेना है, बट विल डू दैट लेटर। दास आउटो दार्फ निष्ट फारन। सो जो सेकेंड है उसमें भी वो आउटो को, यहाँ पे देखो ये वाला सिग्नल है, तो ये सिग्नल इस सेकेंड पिक्चर में जो गाड़ी दिखाई गई है उसके लिए है। सो दैट ऑटो इज नॉट अलाउड टू ड्राइव। ओके, देन दी फ्यूज गेंगरीन दार्फ गेहन। अभी थर्ड ये है। ओके, सो थर्ड के लिए क्या है? उसको उसके आगे सामने ग्रीन सिग्नल है, मतलब शी कैन गो, राइट? सो यहाँ पे ड्यूरफिन वर्ब यूज किया गया है। दी फूस गेंगरिन, जो ये फूस गेंगर था, मेल के लिए फूस गेंगर, फीमेल के लिए फूस गेंगरीन। ओके, पैदल चलने वाली औरत है तो फूस गेंगरीन दार्फ गेहन, सो शी कैन गो, शी इज अलाउड टू गो, नॉट शी कैन, शी इज अलाउड टू गो। सो ड्यूरफिन का मतलब होता है टू बी अलाउड टू। इज इट क्लियर? तो दो मॉडल वर्ब्स हमें आज करने हैं। एक हमारा पहले हो चुका है क्योनन, सेकेंड इज म्यूसिन विच मीन्स मस्ट, थर्ड वन इज ड्यूरफिन विच मीन्स अलाउड टू। ओके, तो अभी हम लोग फोर्थ सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। आपको चारों ऑप्शंस पहले पढ़ने हैं, तीनों ऑप्शन सॉरी, दास आउटो दार्फ निष्ट फारन मुस फारन मुस वार्टन। जो भी कुछ होगा वो आपको आंसर को करेक्ट टिक करना है, और जिसका मतलब है आपको फोर्थ कार पहले चेक करनी है, उसके सामने कौन सा सिग्नल है, उस हिसाब से आपका कौन सा पिक्चर, कौन सा सेंटेंस मैच होगा, वो आपको करेक्ट सेंटेंस बोलना है। इज इट क्लियर? फर्स्ट जो फोर्थ है वो मैं करके बताती हूँ, उसके बाद वाले आप कर लीजिए। दास आउटो दार्फ निष्ट फारन मुस फारन मुस वार्टन। अब यहाँ पे जो सिग्नल है दैट इज ग्रीन, जिसका मतलब होता है दैट आउटो कैन इज अलाउड टू गो अहेड। सो दस आउटो मुस फारन, राइट? उसको जाने की परमिशन है, सो दैट ऑटो मस्ट गो। दार फिनिश्ड फारन नहीं आएगा, इज नॉट अलाउड टू गो, ऐसा तो नहीं है क्योंकि उसके सामने ग्रीन सिग्नल है। मुस वार्टन भी नहीं आएगा क्योंकि उसे वेट करने का कंपल्शन नहीं है, उसे जाना चाहिए। तो मुस फारन, या मुस फारन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सेंटेंस राहुल प्लीज रीड, फिफ्थ यहाँ पे है, फिफ्थ वाला।
डी राड फार विन। तीनों ऑप्शन पढ़ लीजिए और फिर जो सही है वो बताइए। मुस वार्टन, डार फारन और डाफनेश वार्टन। हाँ, क्या आएगा सही? मुस वार्टन। मुस वार्टन। वेरी गुड ऋष्टिश। दिराड़ फारेल मुस वार्टन। उसके सामने से कार जा रही है, सो शी हैज टू वेट। करेक्ट, यू कैन स्विच ऑफ योर माइक। दार फारेन कब आता? अलाउड टू गो, बट अलाउड टू गो तो नहीं है। वहां पे स्टॉप का बोर्ड भी है और सामने से कार भी जा रही है। दार फिनिश्ड वार्टन इज नॉट अलाउड टू वेट, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, अगर सामने जाएगी तो टकरा ही जाएगी वो गाड़ी से। सो दी राड फारेरिन मुस वार्टन। राड फारेरिन, राड बाइसिकल, फारेरिन क्यों आया? क्योंकि लड़की है। अगर लड़का होता तो सेंटेंस कैसे चेंज हो जाता? मुस वार्टन का वैसा का वैसा ही रखना है, बस अभी मैं चेंज ये कर रही हूँ सेंटेंस में। राड फारेरिन की जगह पे लड़के को ला रही हूँ। मतलब वहां पे लड़की नहीं बाइसिकल चला रही, लड़का चला रहा है। तो आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसे चेंज होगा? पहले दो वर्ड्स आपके सेंटेंस के चेंज होंगे। आंसर में बता दीजिए मुझे चैट बॉक्स में, वो कैसे चेंज हो गए? दी राड फारेरिन मुस वार्टन, मुस वार्टन कीप एज इट इज। फर्स्ट वाला कैसे चेंज होगा? यस, देर राड फारर मुस वार्टन। बाकी का सेंटेंस वैसा ही रहेगा, बट दी है क्योंकि फीमेल है इसलिए दी यूज किया है। तो जनरल देर ट्रेनिंग का राड हम फारर क्या कर रहे हैं अभी क्या? मैम? मैंने सुना नहीं, हम क्या कर रहे हैं अभी? ये जो दी राड फारर इन था मुस वार्टन, हम लोग मोडल वर्ब्स पढ़ रहे हैं, म्यूसिन और ड्यूरफिन। ओके मैम। ओके, म्यूसिन इज मस्ट, ड्यूरफिन इज अलाउड टू। ठीक है, तो कौन से कॉन्टेक्स्ट में हम लोग कौन सा वर्ब कैसे यूज करेंगे वो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है मैम। और उसमें मैंने ऐसे सिर्फ एक चेंज के लिए बताया आपको कि दी राड, अगर आप सेंटेंस खुद से फ्रेम करने जा रहे हो, दी राड फारेरिन मुस वार्टन ऐसा सेंटेंस है। अभी यहाँ पे ये सेंटेंस इसलिए आया क्योंकि राड फारेरिन जो बाइसिकल चला रही है वो एक लड़की है। सो इंस्टेड ऑफ गर्ल, वहाँ पे अगर कोई बॉय होता तो आपका सेंटेंस कैसे चेंज होता, ये मैंने सवाल पूछा था। तो वहां पे आंसर आएगा देर राड फादर। तो दी हम लोग फीमेल के लिए यूज करते हैं आर्टिकल, तो वैसे आर्टिकल फॉर मेल इज देर। ओके, मतलब मास्कुलिन आर्टिकल देर है, इसलिए देर राड फादर मुस वार्टन, ये सेंटेंस हो जाता। अभी नेक्स्ट सिक्स सेंटेंस है। सो इज अर्णव देर इन द मीटिंग? यस अर्णव, प्लीज रीड सिक्स सेंटेंस। दी फायर वेयर फायर वेयर, मस्ट वार्टन। करेक्ट। अभी फायर वेयर का मतलब क्या होता है? आप लोग पिक्चर में देख के बोल सकते हो फायर वेयर का मतलब क्या है। फायर इंजन जो आग बुझाने के लिए जा रहा है वो। तो हमें पता है कि जो नॉर्मल रूल्स होते हैं अपने सिग्नल के और रोड ट्रैफिक के, उसमें ऐसा होता है कि एम्बुलेंस होती है या फिर ये जो आग बुझाने वाले जाने वाले ट्रक होते हैं, ये सारे लोगों को सिग्नल से, मतलब भले ही सिग्नल लाल हो, दे कैन स्टिल गो, दे आर अलाउड टू गो। ठीक है, तो भले ही अभी वो फायर वेयर के सामने का सिग्नल रेड है, बट दैट पर्टिकुलर थिंग इज अलाउड टू गो। तो वहां पे सेंटेंस क्या होगा? दी फायर वेयर डार्फ फारन, राइट? इट इज अलाउड टू गो, भले ही सिग्नल सामने रेड है। जो ग्लोबली ये सारा एक्सेप्टेड रूल्स है ना, कि भले ही सिग्नल सामने लाल होगा बट कहीं पे आग लगी है तो वो सिग्नल के लिए नहीं रुकते, एम्बुलेंस नहीं रुकती है। सो ये सिक्स सेंटेंस के केस में ऐसा आ जाएगा, दी फायर वेयर
दार फारन, इज इट क्लियर? भले ही सामने सिग्नल रेड है, तो मुसवार्टन, अगर कोई रैंडम ऑटो वहां पे होती, रैंडम बाइसिकल होती, कुछ भी होता तो सही था, बट क्योंकि वो फायर इंजन है, दार फारन विल बी द करेक्ट आंसर. इज इट क्लियर? वेरी गुड. देन नेक्स्ट श्लोक, प्लीज स्विच ऑन योर माइक. यस मैम. हाँ, 7 सेंटेंस पढ़ लीजिए, उसके ऑप्शंस पढ़ लीजिए और करेक्ट आंसर बताइए. देयर फ्यूज गैंगर हाँ मूस वार्टन ओके, बाकी के ऑप्शंस पढ़ लीजिए एक बार. दार फारन एंड दार फनिश्ड फारन. हम दार फारन फारन ने दार्फ निष्ट गेहन मुस गेहन, 7th के नीचे के ऑप्शंस. मूस वार यस मैम मुझ वार्टन दास मुझ के हैं मुझ के हैं मैं मुझ गए हैं. गेहन रिष्टिश, क्योंकि उसके सामने ग्रीन सिग्नल है, सो दैट पर्सन मस्ट गो, राइट? ओके, नेक्स्ट. राहुल प्लीज रीड नेक्स्ट सेंटेंस. दे मोटर आर फारर दार हाँ फारेन मुस वार्टन दार नेक्स्ट फारेन. तो अभी क्या आ जाएगा इसमें? अभी देखो यहाँ पे कैसी सिचुएशन है, ये सामने वाली भी ऑटो आ रही है, ये औरत भी यहाँ से रास्ता क्रॉस कर रही है क्योंकि शी इज अलाउड टू क्रॉस, बट इसको क्या करना चाहिए? मुस वार्टन स्वार्थन या रिष्टिश, क्योंकि एक तो ही वॉज नॉट अलाउड टू गो, वो यहाँ का सिग्नल तोड़ के आ गया नंबर 2 के यहाँ पे जो था वो, और फिर उसे अभी आगे नहीं जाना चाहिए, ही मस्ट वेट, तो ऐसा है. तो इसलिए फॉर 8 द करेक्ट आंसर विल बी मुस वार्टन. देन नंबर 9, अर्णव प्लीज रीड नंबर 9. दास दास ऑटो मस फारन मूस फारन आएगा. ओके, वहां पे अभी यस करेक्ट, मूस फारन, वो ऑटो शुड गो बिकॉज उसके लिए कोई भी सिग्नल नहीं है. यस अर्णव, आपको कुछ डाउट था? आप नो मैम. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो ये पता चला नंबर फियर बिस 9, पता चल गए सारे कि हम लोग कौन से कंटेक्स्ट में ये दार्फ और मुस का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो पहले हम लोग काम कर लेते हैं, इसका कॉन्जुगेशन देख लेते हैं. म्यूसिन और ड्यूरफिन, ये दो हमारे मेन वर्ब्स है, मोडाल वर्ब्स है. म्यूसिन का मतलब होता है मस्ट, तो ये लिख के लीजिए पहले उसका मीनिंग और म्यूसिन का मीनिंग पे बाद उसका कॉन्जुगेशन. इश मुस, डू मोस्ट, एरजी एस ऑर्डर फोर्थ पर्सन मूस, वियर म्यूसन, ईयर म्यूस्ट, जी म्यूसन. ठीक है, ये जो है 2 मिनट देती हूँ, म्यूसन का कॉन्जुगेशन लिख के लीजिए विथ इट्स मीनिंग मस्ट.
ओके तो अभी म्यूसन का कॉन्जुगेशन समझ में आ गया। हमें सब्जेक्ट के हिसाब से अपना जो वर्ब है, मोडल वर्ब है, उसको कॉन्जुगेट करना है। जब सेंटेंस में हम लोग मोडल वर्ब यूज करते हैं, हमने क्योंन के टाइम पे भी देखा था, जब भी हम लोग मोडल वर्ब हमारे सेंटेंस में यूज करेंगे, वी हैव टू कॉन्जुगेट दैट मोडल वर्ब। और अपना जो मेन वर्ब होगा, जैसे अभी इसमें वार्टेन, फारन, ये वर्ब मेन वर्ब्स थे, राइट? तो उनका तो हम लोग इन्फाइनाइट फॉर्म ही करते हैं, उसका और कुछ उसका कॉन्जुगेशन करना जरूरी नहीं होता है। मोडल वर्ब विल बी कॉन्जुगेटेड अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, इसलिए इनका कॉन्जुगेशन याद रखना भी आपको जरूरी है। तो अभी आपने म्यूसन का लिख के लिया होगा। नाउ राइट इट फॉर ड्यूरफिन ऑल्सो। ड्यूरफिन का मतलब होता है अलाउड टू। उसका भी कॉन्जुगेशन लिख के ले लीजिए आपके नोटबुक में। मैम हमें क्या करना है मैम? या आपको जो सामने कॉन्जुगेशन दिख रहा है म्यूसन और ड्यूरफिन, वो लिख के लेने हैं आपके नोटबुक में। इश मोस्ट, डू मोस्ट, क्योंकि बताती हूँ मैं बाद में। आपका जो सेंटेंस है ना, मैंने जो पहले बोल दिया था कि आपका जो सेंटेंस होगा, वो सेंटेंस आपको ये आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आपका मोडल वर्ब कॉन्जुगेट होगा, तो इसलिए ये कॉन्जुगेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जैसे बाकी के वर्ब्स के भी हम लोग करते हैं, वार्टन का भी किया है, फारन का भी किया है, तो वो सारा करना क्यों जरूरी है? अभी फारन अगर मोडल वर्ब वाला सेंटेंस होगा, आपने इसमें म्यूसन, ड्यूरफिन, क्योनन इसमें से कुछ यूज करना चाहते हो आप आपके सेंटेंस में, तो आपको आपके सब्जेक्ट के हिसाब से इनको कॉन्जुगेट करना होगा, तब आपको मेन वर्ब के कॉन्जुगेशन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए ये सारा आना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप सेंटेंस फ्रेम करने जाते हो, मेन वर्ब का कॉन्जुगेशन आपको याद नहीं है, बट अगर इसमें से आपको कुछ याद है और वो सेंटेंस में फिट हो रहा है वो मॉडल वर्ब, तो यू कैन यूज इट। अगर आप कहीं पे ऐसे लिखने जा रहे हो, कोई डायलॉग लिखने जा रहे हो, वो टाइम पे ऐसा होता है कि आपको वार्टन का कॉन्जुगेशन याद नहीं आ रहा है, बट वहाँ पे ड्यूरफिन का यूज चलने वाला है वो सेंटेंस में, तो आप आपका सब्जेक्ट, फिर ड्यूरफिन का कॉन्जुगेशन वाला जो कॉन्जुगेट करके वर्ड आएगा वो, और फाइनल वर्ब इन्फाइनाइट फॉर्म में मेन वर्ब का वो लिख सकते हो, तो इसके लिए ये बहुत काम आता है। इसलिए जो 6 मॉडल वर्ब है, सारे मॉडल वर्ब्स के अगर आप कॉन्जुगेशन याद रखते हो तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है जब सेंटेंस फ्रेम करने जाओगे आगे तक। ओके लिख के हो गया, इज इट क्लियर? वेरी गुड। तो अभी हमारे ये 3 मॉडल वर्ब्स हो चुके हैं, म्यूसन इज टू हैव टू और
मस्ट ड्यूरफन इज टू बी एबल टू और मे मतलब अलाउड टू क्योनन टू बी एबल टू और कैन वोलेन झोलेन और म्योगेन ये जो तीन है वो हमारे अभी बाकी है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में कर लेंगे। ये तीन मोडल वर्ब्स आपको समझ में आ गए अभी। म्यूसन इज यूज्ड फॉर मस्ट ड्यूरफन इज टू बी अलाउड टू और ही कैन और ही मे इसके लिए यूज करेंगे और क्योनन टू बी एबल टू और कैन के लिए। तो कैन तो हमारा पहले हो गया था ये दो मॉडल वर्ब्स हमने अभी पढ़े हैं वॉलेन जोलेन और म्योगेन हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है तो इतने मॉडल वर्ब्स सारे समझ में आ गए हैं तो अभी उनका इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस में कैसे करते हैं क्योंन के टाइम पे भी हमने किया था। अभी फिर से एक बार मैं बताती हूँ अपना जो सेंटेंस होगा उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। सब्जेक्ट देन मोडल वर्ब ऑन द सेकेंड पोजिशन यू विल हैव योर मोडल वर्ब इन इट्स कॉन्जुगेटेड फॉर्म। ओके और जो थर्ड पोजिशन होगी दैट विल बी और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस नॉट ऑन द थर्ड पोजिशन बट जितना भी आगे बीच में इंफॉर्मेशन आपको डालनी है वो डाल दी और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस योर मेन वर्ब इन इट्स इनफाइनाइट इनफाइनाइट या फाइनल फॉर्म जो भी आप बोलना चाहते हो दैट विल बी योर स्ट्रक्चर ऑफ योर सेंटेंस। ठीक है अगर मुझे ऐसा सेंटेंस करना है मैं मूस कुछ मॉडल वर्ब नहीं यूज करना चाहती हूँ तो मेरा सेंटेंस पहला ऐसा हो सकता है दस ऑटो फार्ट। ओके ओडर दस ऑटो पार्ट पार्ट निश्ट जो भी कुछ होगा राइट। तो अपना जो रूल है दैट ऑन द सेकेंड पोजिशन यू शुड हैव योर वर्ब कॉन्जुगेटेड अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट दैट रिमेन्स एज इट इज व्हेन यू आर यूजिंग मोडल वर्ब्स आल्सो। बट इन दिस केस योर मोडल वर्ब के टाइप वाले सेंटेंसेस में आपके दो वर्ब्स होते हैं वन इज मोडल एंड सेकेंड वन इज मेन वर्ब राइट। सो मोडल वर्ब विल बी ऑन सेकेंड पोजिशन विच विल बी कॉन्जुगेटेड अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट एंड द मेन वर्ब विल बी एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है थर्ड पोजिशन नहीं एट द एंड ऑफ योर सेंटेंस बिकॉज देर फूसगैंगर मोस्ट वर्टन वार्टन। यहाँ पे सिर्फ तीन पोजिशन आई पहले पोजिशन पे देर फूसगैंगर आ गया जो आपका सब्जेक्ट था मोस्ट मतलब मोडल वर्ब सेकेंड पोजिशन पे कॉन्जुगेटेड अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट आ गया वार्टन थर्ड पोजिशन पे आया। बट अगर आप सेकेंड सेंटेंस चेंज चेक करने जाओगे तो वहां पे निश्ट ये एडिशनल वर्ड यूज किया गया है विच इज ऑन द थर्ड पोजिशन राइट। दार्फ निश्ट फारन तो वहां पे फारन जो मेन वर्ब है वो एंड में चला गया है। ओके तो जैसे क्योनन के टाइम पे किया था यहाँ पे भी सेम रूल है मोडल वर्ब सेकेंड पोजिशन कॉन्जुगेटेड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मेन वर्ब इन इट्स इनफाइनाइट फॉर्म एट द एंड ऑफ योर सेंटेंस। इज इट क्लियर यूज ऑफ मोडल वर्ब्स आपके सेंटेंस में कैसे आ जाएंगे कौन से आ जाएंगे पता चले। हमने अभी तक तीन मोडल वर्ब्स किए हैं वी आर अबाउट टू डू थ्री मोर मोडल वर्ब्स जो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में कर ही लेंगे। ठीक है तो आपको होमवर्क के लिए क्या क्या करना है वो बता देती हूँ मैं आपको। जो क्योनन म्यूसिन और ड्यूरफिन ये तीन मोडल वर्ब्स है उनका कॉन्जुगेशन आपको फिर से एक बार लिखना है याद करके। किसी का माइक ऑन है प्लीज स्विच ऑफ योर माइक या तो उनके कॉन्जुगेशन लिख के लो और आपके मन के हिसाब से। ठीक है ये जैसे ये अभी स्क्रीन पे सेंटेंसेस दिए गए हैं वैसे ही छोटे छोटे सेंटेंसेस आप अपने मन से फ्रेम कर लीजिए। उसमें क्योनन का इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें ड्यूरफिन का या म्यूसिन का। ठीक है अब यहाँ पे जैसे दास आउटो है उसकी जगह पे दू आ सकता है इश आ सकता है जी आ सकता है कुछ भी आप प्रोनाउन यूज करके सेंटेंस फ्रेम कर लीजिए। होमवर्क के लिए है ये उसका आपका वर्ब का कॉन्जुगेशन और एंड वाला वर्ब भी आपके चॉइस का ऐसे पांच सेंटेंसेस फ्रेम कर लीजिए। ठीक है अच्छे कर लीजिए एक मोडल वर्ब के दो सेंटेंसेस क्योनेन के दो म्यूसिन के दो ड्यूरफिन के दो ऐसे टोटल छह सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने हैं। ओके आपका सब्जेक्ट आपकी चॉइस का होगा आपका इनफाइनाइट वर्ब आपके सेंटेंस का कंटेक्स्ट आपके चॉइस का होगा। इज इट क्लियर क्या करना है होमवर्क में।
और तीनों के कॉन्जुगेशन याद करके नोटबुक में लिख लीजिए, या अर्णव श्लोक क्लियर है क्या? होमवर्क में करना है आपको। ओके, वेरी गुड। सो विल मीट नेक्स्ट लेक्चर। एक बात बताइए मुझे, आपको सैटरडे को लेक्चर चलेगा? मॉर्निंग और इवनिंग? परफेक्ट। सो सैटरडे मॉर्निंग 11, नेक्स्ट सैटरडे? वेरी गुड, देन विल हैव लेक्चर ऑन नेक्स्ट सैटरडे एट 11 AM। ओके, डांकम चूस। ओके, आई लेट यू नो द टाइमिंग। सैटरडे हम लोग फिक्स करते हैं सिर्फ 11 या 5, हम लोग फ्राइडे को डिसाइड करेंगे। ओके ओके।